हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DDU BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री पेपर सेकेंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है, जिसका पेपर कोड है AAC 105 और पेपर का नाम है एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो CBCS मोड पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, मिस्र निवासियों का प्रधान देवता कौन था? सूर्य। पॉइंट नंबर 2, सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मिस्र में। पॉइंट नंबर 3, मेसोपोटामिया के लोग किसके कपड़े पहनते थे? भेड़ की खाल के। पॉइंट नंबर 4, सुमेरियन समाज में अभिजात वर्ग था पुरोहित। पॉइंट नंबर 5, बेबीलोनियन का प्रमुख शासक था हम्मुराबी। पॉइंट नंबर 6, नील नदी को कहाँ का वरदान कहा जाता था? मिस्र का। पॉइंट नंबर 7, फ़राउन की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया? मिस्र के शासकों को। पॉइंट नंबर 8, आधुनिक इराक किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया को। पॉइंट नंबर 9, सेमाइट राज के संस्थापक कौन थे? सारगोन। पॉइंट नंबर 10, सुमेरियनों के नगर का प्रधान पुरोहित किसे कहा जाता था? परेसी को। पॉइंट नंबर 11, हम्मुराबी के पश्चात बेबीलोन का शासक कौन बना? सम्मुइलना। पॉइंट नंबर 12, हम्मुराबी की विधि संहिता किस लिपि में लिखी गई है? किलाक्षर लिपि में। पॉइंट नंबर 13, हम्मुराबी ने लार्सा पर आक्रमण कब किया? 1763 में। बेबीलोनियन समाज में वर्दू किसे कहा गया? दासों को। पॉइंट नंबर 17, सडुफ का क्या अर्थ है? ढेकुल। पॉइंट नंबर 16, असीरियन साम्राज्य की राजधानी निनिब। 17, मिस्र अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। पॉइंट नंबर 18, पिरामिड क्या है? राजाओं की कब्र। 19, कैलेंडर का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मिस्र में। 20, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। पॉइंट नंबर 21, पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया? मेसोपोटामिया के। 22, सेमाइट राज का संस्थापक सारगोन। 23, बेबीलोनियन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3। पॉइंट नंबर 24, सुमेरियन काल में आकाश का देवता था एनालील। 25, सेना में सर्वप्रथम घोड़े का प्रयोग किसने किया? असीरियन ने। AAC 104 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 26, भटकती नदी और चीन का शोक कौन है? हुआंगहो नदी। 27, मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच मध्यवर्ती भाग। 28, लुगल का क्या अर्थ है? महान व्यक्ति। 29, सुमेरियन काल में तौल के रूप में किसका प्रयोग होता था? सेकेल का। 30, हम्मुराबी की विधि संहिता किस संग्रहालय में रखी गई है? लूब्र संग्रहालय पेरिस। थर्टी वन, सुमेर तथा अक्ताद के स्वामी की उपाधि किसे प्राप्त थी?
हम्पुराबी को। 32 मिस्र का राज चिन्ह क्या था? सपक्ष सूर्य चक्र। 33 मिस्र में स्थापित नई समाधियों को क्या कहा जाता था? मस्तबा। पॉइंट नंबर 34 मस्तबा का अरबी भाषा में क्या अर्थ है? बैठने का स्थान। 35 से कल बेलेड किसे कहा जाता था? गांव के मुखिया को। गांव के मुखिया को शेख अल बेलेड कहा गया। पॉइंट नंबर 36 सांग काल को चीनी इतिहास में किस काल के नाम से जाना जाता है? पिन काल। पॉइंट नंबर 37 चीनी लिपि को क्या कहा जाता था? कुवेन। पॉइंट नंबर 38 कुवेन चित्र लिपि में कितने संकेत चित्र थे? 2500 संकेत चित्र। पॉइंट नंबर 39 क्लासिक ऑफ द हिस्ट्री किस ग्रंथ को कहा जाता है? सू चिंग को। पॉइंट नंबर 40 विश्व बंधुत्ववाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोतो ने। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।